नमस्कार प्रशिक्षु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जितने दिन भर के आपके कमेंट हैं और जो आपके डाउट हैं, सारे के सारे इस क्लास में डाउट क्लियर किए जाते हैं। 9 से 9:30 बजने के बीच क्लास होता है, लगभग 9:15 बजने तक आ जाता है। ये टाइम वेरिएबल इस वजह से रखा गया है क्योंकि कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाते हैं और वीडियो सच में अपलोड नहीं हो पाता है, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ऐसी घटना 2019 वालों के साथ, जो फ्रेश प्रशिक्षु थे उनके साथ हो चुका है। एक बार वीडियो लगाना था और हमने लगाया, और वह वीडियो काफ़ी मतलब लगाना 10 बजने की क्लास आने वाली थी, अब उसको लगाया तो लंबा खिंच गया, गया 1 बजे। अब 1 बजे से लेकर मतलब रात में क्लासें चली थी उसके बाद था, और कुछ अभ्यर्थी थे और कुछ को नींद आया था, कुछ बाद में देखे उसको, मतलब तीसरे दिन एग्जाम होने वाला था उनका। तो इसी तरीके से हम सारे के सारे क्लास ले रहे हैं। जो प्रशिक्षु यह बोल रहे हैं, सर जो थर्ड सेमेस्टर का महामैराथन चलाए हैं सर, वो 4 ही लेक्चर आएगा, नहीं कल एक लास्ट रहेगा, कल संडे है, कल उसका लास्ट लेक्चर आने वाला है, उसको देखिएगा। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर के जो मैथ हैं उसका महामैराथन हम लगा देंगे, एक ही क्लास में सारे के सारे जो टॉपिक हैं, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको कवर कर देंगे। और प्लस बेसिक क्लास तो सारे सब्जेक्ट के हो चुके हैं, आप आकर देख लेंगे, क्योंकि मैथ, साइंस और SST, यही तीन चीज़ हम DLED के सारे सेमेस्टर का कवर करा देंगे। जो बच्चे जैसे हर्षी हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं इसमें, तो उनसे कहना हम यही है कि भाई आपके मैथ के क्लास आज फिनिश हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर के भी बचा है सिर्फ मात्र फोर्थ सेमेस्टर का। फोर्थ सेमेस्टर में हमने लगभग 12 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और 2-3 क्लास में और रह जाएंगे। इसके बाद सारे अभ्यर्थियों से यही कहेंगे भाई कि आप लोग रिवाइज करिए, मैथ में, साइंस में, SST में कभी बैक नहीं लगने वाला है, और आप सीधा UPTET पर, 2022 वाले UPTET पर और CTET पर फोकस कर लीजिए, क्योंकि भर्ती नहीं आने वाली। अभी एक नोटिस, मतलब एक तरह से सूचना आया है ABP न्यूज़ द्वारा, हम सारी बातें करते हैं, एक बार आप फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज लाइव आने का मूड नहीं था, है ना। फिर भी आँख में बहुत ज़्यादा जलन हो रहे थे, तो उसको हमने अच्छे से धुला थोड़ा सा, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा जलन टाइप में हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जलन हो रहे हैं, है ना। पता नहीं क्यों अचानक से बहुत लाल लाल भी, रेड भी लग रहा होगा, कोई बात नहीं, वह सब मामला है अलग सा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे शेयर कर देंगे और सारे क्लास रिवाइज करेंगे, क्योंकि आपकी ही फैमिली है, आप इसे बड़ा करेंगे। लास्ट में सारे डाउट भी लेंगे आपका, वैसे डाउट तो हम ये सारी चीज़ें लेने वाले हैं, सब कुछ, जो प्रशिक्षु प्रत्यावेदन वाले हैं, जो प्रशिक्षु स्कूटनी वाले हैं, स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आया फोर्थ सेमेस्टर का, सारे आ गए, 2018 बैच का नहीं आया। अभी हम रिकॉर्डिंग एक लगाए थे जो आपने देखा था, सचिव सर का, उनका साफ साफ कहना, मैं एक अभ्यर्थी उनसे इस तरह से बात किया जो उस अभ्यर्थी को करना नहीं चाहिए था। सच में अगर वह उस लायक ना होते तो वह अभ्यर्थी उनसे वैसी बातें नहीं करता, और किया तो दिल हमारा गदगद हो गया। सच बताएं ना, वह उसी लायक हैं, उनसे पता दया आती है जब वह अपनी आवाज़ बोलते हैं, लगता है कि हमारे दादा हैं, हमारे बाबा हैं। लेकिन प्लीज़ आप ऐसी, वो अभ्यर्थी गलत भी तो नहीं पूछा कुछ, पता है दर्द होता है, अपनापन लगता है सचिव सर से, लेकिन थोड़ी सी जब यह अलग सा कुछ कहते हैं ना, अजीब सा लगता है, क्योंकि हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे पास में एक दादा, मतलब पड़ोस में एक दादा रजी रहते हैं, उनकी ठंडी की जितनी भी सामान थे सब हमने दिया अपने पैसे से, घर वाले को तनिक भी नहीं कवर उन्हें दिया, मतलब सारी चीज़ें हम उनको कवरेज कराए। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी किसी का अपमान ना करें, और रहेगी बात सचिव सर हों चाहे जो हों, बुजुर्ग हैं तो उनका सम्मान करना हमारा फर्ज है, और रहेगी बात सचिव के पोस्ट पर हैं तो हमारे लिए भी सोचना चाहिए ना, क्योंकि बच्चों के लिए सारी चीज़ें हैं। और जिस तरह से उन्होंने बात किया, अच्छा किया, और ऐसे सचिव के साथ ऐसे बिहेव करना जायज़ है थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा उसमें बदसलूकी थोड़ी करी है, वो अपने हक के लिए मांगा है, बस यही रहा। और अच्छा लगा, और जो आप थोड़ा सा यूज करते हैं टकला उकला ये सब, थोड़ा सा भैया देखा करें, ठीक है, गुस्सा है, और वह चीज़ें वह साफ साफ उनसे, अगर आप रिकॉर्डिंग आपने सुना होगा उनका, तो उनका कहना यही है कि अभ्यर्थी आपके एग्जाम होंगे, हमने तो 18 बैच और 2019 बैच कंप्लीट करा लिए भाई, कंप्लीट करा लिए, कर दिया हमने, और जिनका बैक लगा है वह क्यों बैक लगा लिए आखिर, क्या उनको 8 लेवल का सारी मैथ नहीं आती है? भैया जब 8 लेवल का मैथ आता है, हम समझ रहे हैं, अब मान लीजिए नहीं आता है, तो वह बच्चा जिसका बैक लगा है मैथ में, वो UPTET क्लियर कर रहा है, 115, 125 नीचे छपा पड़ा है, देखिए सारे कमेंट, एक अभ्यर्थी है 125, 135 नंबर पाई हुई है, लेकिन वह कह रही है सर मेरा मैथ में बैक है। भाई ये कौन सी संरचना आप बना के रखते हैं? अगर यही अभ्यर्थी, अगर थोड़ा सा, अगर पार्टी थोड़ी सी चेंज यहाँ पर देखने को मिल जाती यूपी सरकार, यूपी में, तो पता है अनर्थ हो जाता, और वैकेंसी शायद आ चुकी होती, अब तक अनाउंसमेंट हो गया होता पहले ही, जो होने वाला है आपका पहला मीटिंग होने वाला है कैबिनेट का, होगा अनाउंसमेंट। लेकिन इसमें उन्होंने बोला है, ABP न्यूज़ द्वारा कवर किया गया है कि बहुत सारी चीज़ें अनाउंसमेंट होने वाली हैं विधानसभा में इस बार पहली मीटिंग में, तो उसमें बस यही होगा, जैसे कि जो अधीनस्थ सेवा आयोग है, जैसे कि UPTPLSC है, और अभी हाल ही में कल या परसों आया है आपका
जो लोअर पीसीएस का रिजल्ट है, तो लोअर पीसीएस का फिर से वैकेंसी आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी का वैकेंसी आने वाला है काफ़ी ज़्यादा। जो कह लीजिए कि आपका पेट का एग्जाम कराया गया था प्री लेवल का लगभग, तो लेखपाल की वैकेंसी है, उसका अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा सारी चीज़ें, यूपी पुलिस का है, तो ये सारी बातें वो करेंगे। लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए उनको पता है बहुत बड़ा एक तरह से प्रारूप बनाना पड़ेगा दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए। जैसे कि अगर माना जाए, आप अपने नज़र से सोचिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट करा जाता है, जब कोई भी चीज़ स्टार्ट हो तो उसके बैकअप मतलब एक चीज़ें उसकी देखी जाती हैं कि भैया यह चीज़ अगर आज स्टार्ट हुआ तो इससे पहले क्या ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, अगर स्टार्ट हुआ था तो उसमें क्या क्या खामियां थी, उसको दूर किया जाए, फिर इसके बाद यह नया चीज़ स्टार्ट होगा। अगर उसी प्रकार से देखें हम लोग, 68,800 वैकेंसी आई थी पिछली बार जो शिक्षक भर्ती आई थी, उसमें बहुत सारी खामियां थी, आरक्षण भी बात था प्लस घोटाला था, जो 6800 पद जोड़ने की बात कर रहे थे, 17,000 पद निकालने की बात कर रहे थे, 17,000 पद मौखिक रूप से बोला गया था और जो बोला था सच में हार गया भाई, जो आपके शिक्षा मंत्री थे, खत्म कहानी उनकी। अब नए वहाँ पर पद आया है, अब देखिए कौन बनता है शिक्षा मंत्री, अब अगर शिक्षा मंत्री कोई और बनता है तो उनको इस सब के बारे में ज्ञान नहीं होगा कि आपने कितना मशक्कत करी थी, क्या क्या बातें हुई थी। वह एक नए सिरे से आपको पूरी की पूरी रणनीति बनानी होगी, नए तरीके से धरने प्रसाद करने होंगे अगर आप चाहते हैं बहुत जल्द आ जाए तो वैकेंसी। अगर बहुत जल्द देते भी हैं तो पता है उसमें मात्र 17,000 जो बातें कही थे मौखिक रूप से बोले थे वही चीज़ निकाल देंगे आप। और रह की बात, जो बड़ी वैकेंसी है 97,000 वाली, वह आएगा 2023 के अगस्त के बाद या फिर लगभग अगस्त तक वह वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है भाई, बहुत बड़ा गुड़ा गड़ी था। यहाँ पर राजनीतिज्ञ लोग हैं, यह लोग राजनीति कैसी होती है, बहुत गंदी चीज़ होती है राजनीति, और इसमें कूदना मतलब दलदल में पैर जमा लेना, उसी का नतीजा है कि हमारे जो डिप्टी सीएम थे जो आपके केशव प्रसाद मौर्य जी थे, वह अपने पद से हार गए। जो आप खुद देखिए, जहाँ से जो झाड़ू वाले भैया जी हैं हमारे हैं, उन्होंने पद जीता है, लगभग 92 पद जीता है, 117 में से 92 सीट निकाला हुआ है पंजाब का, जो पहली बार देखा गया है। जहाँ पे आते हैं वहाँ पे सफाया, दिल्ली में आए थे, मतलब जो आपका यह क्या बोलते आम आदमी पार्टी है, इसका गठन हुआ था आपको पता होना चाहिए 2012 में, उस समय हम 10th में थे, हमको याद है 10th में थे 2012 में, तो उस समय बहुत ज़्यादा एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, देखिए नाम नहीं याद आ रहा, उनसे टूट कर इनको बनाया गया था, ये बना था उस समय, ये IAS क्लियर किए थे भाई, समझ रहे हो ना, एक तरह से बहुत बड़े पद को ये छोड़ कर आ रहे थे। और सच में ऐसे व्यक्ति अगर कूद जाए ना राजनीति के मैदान में तो शिक्षा जगत पूरा व्यवस्थित हो जाएगा। जिस प्रकार से दिल्ली की व्यवस्था इन्होंने सुधारा है ना, अब देखिएगा पंजाब भी सुधरने वाला है, पूरा बेहतरीन तरीके से पंजाब सुधरेगा। एक बार इनको यूपी में भी आना चाहिए, शिक्षा विभाग सच में चरमों अपने सीमा पे हो जाएगा, मस्त तरीके से हो जाएगा शिक्षा विभाग, हर एक क्षेत्र की मतलब ये गुड़ मतलब एक तरह से गुड़ बना देंगे, होता है गुड़ ना, गुड़ बना देंगे, भेली इसे बोलते हैं, भेली बन जाएगा और काफ़ी ज़्यादा मिठास हो जाएगा हर क्षेत्र में। तो आपसे विनती यही है कि अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, वही जो आपको पता है जो अधीनस्थ सेवा आयोग है प्लस ये सबका जिक्र करेंगे पहले अपने कार्यकाल में, मतलब पहले अपने विधानमंडल में जब आएंगे तो पहला यही इनका जिक्र होगा कि पूरा का पूरा यह जिक्र करेंगे कौन कौन सी वैकेंसी क्लियर कराएंगे। और रही बात शिक्षा विभाग में, जो मतलब एक तरह से शिक्षक के लिए आने वाला वैकेंसी यह 2023 में हमको देखने को मिलेगा, अगर देखने को मिलता है तो छोटे मोटे देखने को मिल सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में मुश्किल है और सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी और आप लोग बस पढ़ते रहिए। जो बच्चे कह रहे हैं सर DLED का जो एग्ज़ाम कब होगा, उनसे बोल देते हैं 14 तारीख को। भैया ये कौन है देखें थोड़ा सा, देखिए भाई ये प्रशिक्षु का इनका कहना है कि सर जी जो हमारा 14 तारीख को हम लोग धरना देने जाएंगे वो कहाँ पे जाएंगे, तो हम बता देते हैं आप कहाँ पे जाएंगे प्रशिक्षु, आप जाएंगे PNP ऑफिस इलाहाबाद प्रयागराज में, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ बहुत सारे प्रशिक्षु होंगे 14 तारीख को और सभी लोग को वहाँ पे कलेक्ट होना है, मात्र एक डिमांड करना है। अब यहाँ पे कोई जाके गलती नहीं करेगा कि प्रमोट करो, जब पता है 10 बार हो गया, 100 बार हो गया, 1000 बार हो गया प्रमोट नहीं किया ससुरा, तो मात्र आप डेट सीट लेकर आएंगे, कुछ नहीं। अगर अन्यथा करते हैं, अनर्थ करते हैं, कुछ ऐसी मांग कर लेते हैं जो सच में उनके विपक्ष में है, तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम बहुत लंबा टलेगा, फिर समझ लेना मई जून देखना। आपसे विनती है कि आप सभी लोग एक चीज़ की डिमांड करेंगे, हमें 12 अप्रैल को जो आप बोले हैं तो हमें लिखित दे दो भैया, उसमें मोहर लगाओ, ठप्पा लगाओ, 12 अप्रैल को आपके एग्जाम जैसे यूपी बोर्ड के खत्म होंगे 20 अप्रैल से स्टार्ट करा दो, या फिर 20 अप्रैल से पहले पहले करा दो, नहीं तो 20 अप्रैल से करा दो, मात्र 3 दिन का ही तो एग्जाम है भैया। सारी पूर्वांचल की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है वो अपना एग्जाम ले रही है, मतलब आप ही हो जो एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हो, मतलब क्या दुविधा है एग्ज़ाम लेने में, आप खुद बताओ। यूपी बोर्ड के समय पूर्वांचल यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है लेकिन आप नहीं ले रहे हो, मत लो लेकिन समय से ले लेना, जैसे यूपी बोर्ड की एग्जाम खत्म हो जाए वैसे ले लेना। अब यह नहीं कहोगे कि भैया हम ले जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ कराएंगे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के स्क्रूटनी की मांग कर रहे हैं, मात्र
तीन चार दिन में वो भी आ जाएगा अगर सचिव सर के हिसाब से चला जाए तो, क्योंकि उन्होंने बोला था एक महीने के अंदर सारे स्कूटनी के रिजल्ट आ जाएंगे। तो जो बाद में स्कूटनी के रिजल्ट भरे गए थे थोड़े लेट आएंगे, लेकिन आ जाएंगे चार पाँच दिन के अंदर अंदर। 2018 बैच से भी बात कर रहे हैं भाई, और जिनका नहीं डाउनलोड हो रहा है भाई वो थोड़े से प्रयास करें या फिर थोड़े से रुक जाए, इरर की वजह से नहीं हो पा रहा होगा, थोड़ा सा नंबर वगैरह सही कर लें। और यूपीटेट 2022 की बात करें, सीटेट 2022 की बात कर लें दोस्तों, यहाँ पर जितने प्रशिक्षु हैं गौरव जी प्लस जितने भी प्रशिक्षु हैं प्रीति जी, मतलब जो भी प्रशिक्षु यहाँ पर जुड़े हैं, चांदनी जी और जो भी प्रशिक्षु यहाँ पर जुड़े हैं, सिविंती है, अंजलि जी, जो भी प्रशिक्षु यहाँ पर जुड़े हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार शेयर कर दें सेशन को और फॉलो करता क्लास को स्टार्ट कर दें। यूपीटेट अगर देना है अच्छे तरीके से 2022 में मस्त तरीके से नंबर लाने, जैसे इस बार आपने गेन किया है, तो एक बार और गेन करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि जिसका सेकेंड सेमेस्टर में जिनका बैक है उनके तो वैल्यू नहीं होंगे, कुछ वैल्यू नहीं है, चाहे वो पास हो जाए चाहे फेल हो जाए। फेल हो जाए तो कोई बात ही नहीं, लेकिन पास होने पर कोई वैल्यू वैलिड नहीं रहेगा वो, है ना। तो उनको एक बार देना ही पड़ेगा, सीटेट भी और यूपीटेट भी, तो दोनों देंगे वह। और थोड़ा सा प्रयास करिए, और जो कुरकुरे बैच चलाए गए थे प्यार से, जितना प्यार हम कुरकुरे को करते हैं उतने प्यार से आपके लिए बैच चलाया गया है, तो सच में इसको इतना शेयर करिए ना, तो हमारी जो प्यार है उसमें गुड़ घी सब मिलाकर आप ऊपर कर दो इतना सच में, और आपके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो इतनी बातें थी, और आज तो लाइव नहीं आने वाले थे, लेकिन हम सोचे कि आज आते हैं, प्रशिक्षकों के थोड़े से हेल्प कर दिया जाए, जितने भी उनकी सारी चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉल्व किया जाए, है ना। तो यही सारे थे डाउट थे आपके जो हमने लिया, और कोई डाउट तो नहीं है। क्लास के बारे में जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा, जो क्लास है आपका डीएलएड का सारा आप आकर देख लो। तो कल आएगा संडे है, कल संडे है, तो कल 12 बजे हम थर्ड सेमेस्टर का एक लास्ट महामैराथन क्लास लेकर आएंगे। फिर इसके बाद दोपहर में, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के जो मैथ के क्लास हैं, हर्षी जी हो गए और दशरथ जी हो गए, सबसे बता रहे हैं भाई ये सब क्लियर हो चुका है। फर्स्ट सेमेस्टर मैथ आज खत्म हो गया, कल से फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का साइंस, या अभी परसों से स्टार्ट कर देंगे साइंस, और जो फोर्थ सेमेस्टर का मैथ है वो भी कंप्लीट हो चुका है लगभग। कल जी मात्र 3 लेक्चर और आएंगे उस पर, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उस पर 1 लेक्चर और लाने वाले हैं, जो ताश की पत्ती वाली होती है ना, गड्डी वाली, जिसमें प्रैक्टा निकालना होता है, वो चीज़ लाने के लेकर आएंगे भाई, ठीक है ना। ये चीज़ भाई, हाँ अगर बात करें, कौन भैया, बहुत सारे प्रशिक्षु पूछते हैं कि भैया यूपी में कितने विधानसभा की सीट है, तो बताएं 403 है। इसे मैक्सिमम जो विधानसभा की सीट होती है दोस्तों ना, वह 500 है, और मिनिमम 60 होती है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे, जैसे कि गोवा की बात कर ले, वहाँ पर 40 है विधानसभा की सीट, वहाँ पर तो कोई एक तरह से पूर्ण रूप से आया ही नहीं, किसी को पूरी तरीके से सीट नहीं मिला, मतलब 21 से ही है जीतने के लिए, आधा से एक ज़्यादा, लेकिन नहीं मिला है। अगर बात करें जैसे कि आपका पंजाब है, पंजाब में मणिपुर में 60 सीट है, जो एग्जाम मतलब जो चुनाव हुआ था मणिपुर का, मणिपुर में बीजेपी पार्टी ले गई 47 सीट है करीब वहाँ पे। और प्लस उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 70 सीट है, है ना, और 70 है, और पंजाब में 117 है। तो यहाँ से पूछा जा सकता है, जैसे लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो यूपी में है, और इसी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए सारी वैकेंसी एक तरह से मार्ग तय करेगा, ठीक है भाई ना। बस यही सारी चीज़ें रही दोस्तों, आप लोग वीडियो शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आँख में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है ना, तो थोड़ी सी हमको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो आप लोग घबराएं नहीं, बहुत सारा खुजली हो रहा है, तो आपके सामने रगड़ नहीं सकते इसको। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इतने से जो अपना प्यार देते हैं उसको बरकरार रखें, और मात्र एक दुआ करें, कुरकुरे सलामत रहे, मतलब कि बैच आपका सलामत रहे। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसको इतना शेयर करो दोस्तों ना, यह कुरकुरे मतलब बैच जितने भी आते हैं कुरकुरे बैच के नाम से, अभी हम CDP भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मात्र 10 दिन बाद, 10 दिन के अंदर हम पूरे के पूरे DLED के सारे SST साइंस और मैथ कंप्लीट कर चुके हैं। मैथ कंप्लीट हो चुका है सबका, और थर्ड सेमेस्टर का SST साइंस भी कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड सेमेस्टर का भी। अब थर्ड सेमेस्टर पे जुटेंगे, थर्ड सेमेस्टर का साइंस और SST और फर्स्ट सेमेस्टर का साइंस और SST, मात्र 5-5 दिन का होगा, उसको कंप्लीट करा देंगे। तो अब हम 10 लगभग 15 दिन बाद मान लीजिए, या फिर मार्च के बाद मान लीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम होगा यूपीटेट सीटेट का थोड़ा लंबा होगा, लगभग 1-2 महीने बाद ही सारी सूचना स्टार्ट होगी, तब तक आप लोग तैयार कर लेंगे अपने आप को, जिसको बहुत ही जरूरी है वो आ जाए, पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करा रखा है, एक बार उसको देखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे भैया इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, टेट का और सीटेट का इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, और टेट का ही सीटेट का ही CDP, इसमें CDP जो होगा वो आपके सुपर टेट लेवल तक का होगा, जो कि एक ही बार धुआंधार पढ़ाई दे पढ़ें, और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, सच बता रहे हैं। अंजलि आज बोल रही थी, अंजलि बहन जी, सर सीटेट कब CDP कब से स्टार्ट करेंगे भाई, तो कुरकुरे इजाज़त दे चुकी है CDP स्टार्ट करने के लिए, तो वह स्टार्ट हो जाएगा, घबराने की बात नहीं, बस मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। आप लोग से विनती है, दुआएँ अपना हमारे पास रखिए बस, और पढ़ते रहिए, आपकी दुआ रहेगी तो सच में यह चीज़ें आपके समक्ष होंगे, और बहुत अच्छा सब कुछ होगा। चलिए, और आप लोग 14 तारीख को जाएंगे, वहाँ पे कोई दंगा प्रसाद नहीं, आराम से बस मांगे कहीं 1.5 सीट। धन्यवाद।